गाइस अभी हम जा रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए रॉयल एनफील्ड का नया एडजस्ट लगाने वाले हैं रॉकी भाई, तो उसी का थोड़ा सा वीडियो बनाना है आज। और रॉकी भाई ने हमें 2-3 बार कॉल कर चुके हैं, तो अभी जल्दी से चलते हैं रॉकी भाई से मिल के देखते हैं क्या कर रहा है तू। गाड़ी का ये कहाँ गया, ये फ्रेम स्लाइडर कहाँ गिरा दिया तूने? हाँ जाने ना। तो गाइस जिस दिन हमने ब्रूस खलीफा देखने के लिए निकले थे, तो उस दिन ये जो फ्रेम स्लाइडर है ये कहीं पे गिर गया या कोई घर पे आके तोड़ दिया, क्योंकि मेरा गाड़ी जहाँ बाइक जहाँ पे रहता है वहाँ पे कोई गार्ड वार्ड कुछ नहीं रहता, तो इसीलिए ये यहाँ पे देख सकते हो नहीं है, यहाँ से तोड़ा गया। तो जिस किसी ने भी तोड़ा है तो अच्छा किए हो, ताकि हमें समझ में आ जाए गाड़ी को सेफ रखना है और भी। तो गुड लक, इससे हमें कुछ नहीं जाता, हम उससे बेहतर चीज़ इसमें और लगाएंगे, तो गुड लक। मगर तोड़ के ले गया, मगर एक से क्या करेगा, मगर एक तो लगा हुआ है अभी फ़िलहाल। तो चलते हैं रॉकी भाई से, दिखाते हैं आप लोगों को क्लासिक में एडजस्ट लगाने के बाद उसका साउंड दिखाएंगे और रिएक्शन कैसा मिलता है वो आप लोगों को दिखाना है। तो चल लो, लेट्स डू इट। काम चल रहा है, देखते हैं रॉकी भाई लोग का किधर रहे। ओ ये क्या ले गया है। तो अभी देखो भाई मेरे सामने, तो ये निकल आया, देखो देख सकते हो ये ओरिजिनल भाई, और इसमें अभी लग रहा है। तो ये तो इसका कोई बात नहीं भाई, ये 300। तो ये 300, ये भाई तू इसलिए मुझे बुलाया क्या? ये 2 सिलेंडर है अभी, और मैंने सोचा रॉकी भाई का रॉयल एनफील्ड बिल लगने वाला है, मगर ये तो दूसरा कुछ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इसका जो स्टॉक एडजस्ट था ये खोल के बाहर रख दिया, ये बहुत गर्म है और अंदर वाली है, और उसको छोड़ के अभी एसी प्रोजेक्टर उसमें लगाने वाले हैं ये लोग। तेरे सामने ये क्या है यार, और इसका तो साउंड आप लोगों को सुनाया जाए। गाइस अभी इसका साउंड थोड़ा सा चेक। ओ भी भाई, और ये 2 सिलेंडर का साउंड है। गाइस इसका साउंड एकदम जबरदस्त साउंड है, निकल रहा है। आप लोगों को कैसा सुनाई दे रहा है ये हमें पता नहीं। 2 सिलेंडर का साउंड एकदम तगड़ा वाला, और लोगों का रिएक्शन देखते हैं कैसा क्या रिएक्शन आता है। ओ किसी दिन अगर आप लोग चाहो तो हमारे पास भी एक सुपर बाइक रहेगा। चलो हटके कुछ है, और फिलहाल इसका एडजस्ट कैसे लगाना पड़ता है वो आप लोगों को दिखाते हैं। हमने सोचा था रॉयल एनफील्ड में लगने वाला है नया एडजस्ट, तो यहाँ पे आके कुछ और ही देख लिया। इसमें 2 सिलेंडर में लगने वाला है एसी प्रोजेक्टर, और एसी प्रोजेक्टर में लगने के बाद कैसा साउंड आता है ये अभी एडजस्ट खोलने के बाद ऐसा साउंड निकल रहा है। Oh.
मतलब दिल में छू जाने वाली साउंड आ रहा है यार ऐसा। और पीछे का लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो टू सिलेंडर है और बैलनी 600 आई का है तो कोई जवाब नहीं, वो 4 सिलेंडर है। तो गाइस अभी इसको सेव करते हैं, कैसे इसको वेल्डिंग करना है पहले, वेल्डिंग करने के बाद जाके उसको सेव कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। जी मैनु छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चान बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। ये दोनों का हालत देखो, दोनों पकड़ के बैठे और यहाँ पे इसमें कितना वेट हो सकता है ये बताओ। तो ये दोनों पकड़ के रखे और ये यहाँ पे काम चल रहा है, ये अंकल जी तो लेट के काम कर रहा है और यहाँ पे देख सकते हो स्टोन उठा के रखे गाइस एकदम। तो इसमें लगने वाला है ये एसी प्रोजेक्टर, ये वाला चीज़ इसमें लगने वाला है, उसके बाद आप लोगों को साउंड सुनाते हैं कैसा आता है इसमें। गाइस अभी इसमें एसी प्रोजेक्टर सेट हो गया है, आप लोग आवाज़ सुन सकते हो, बहुत तगड़ा साउंड भी निकल रहा है अभी। तो का भाई अभी ये चलाने वाला है, ये भाई साहब का है अभी ये। ओ ओ बाय बाय, एकदम अलग लेवल का चीज़ है ये। तो इसका साउंड आप लोगों को एक बार नोटिस करके दे। तो गाइस इसका अभी एक बार आप लोग साउंड दे, तो जब स्टार्ट रहता तब इतना साउंड क्रिएट करते हैं, और अगर आप लोग इसको ये जो लुकिंग आ रहा है ना, एक ज़बरदस्त लुकिंग है, और पूरा सेटअप एकदम प्रॉपर तरीके से किया गया है, यहाँ पे वेल्डिंग कर किया गया है, और ये जो एसी प्रोजेक्टर है भाई ये एकदम तबाही वाला सीन। ओ भाई जबरदस्त साउंड निकल रहा है अभी। तो इसका माइलेज भी इतना अच्छा नहीं है, तो बंद करके रखते हैं फिलहाल। ये भाई साहब का था, तो थैंक यू, ये भाई साहब अशोकनगर से आए हैं हमारे यहाँ पे, तो ये इनका बाइक है। तो एक एडजस्ट लगाने के बाद एकदम अलग लेवल का साउंड क्रिएट कर रहा है, तो किसी दिन हम भी लेंगे। ये 2 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर आएगा भाई का, ट्रम टाइगर 300 सीसी के अंदर आप लोग इसके में जा सकते हो। ये 2 सिलेंडर है, और आप लोगों का जो अपाची RR 310 उसमें सिंगल सिलेंडर मिलता है। तो भाई इसका साउंड थोड़ा नोट कर लो, तो गाइस आज का वीडियो अच्छा था, और अगर आप लोग का कोई भी बाइक है अगर काम कराना है तो इन भाई साहब के पास आ सकते हो। ये मात्रा बाइक पॉइंट, इनका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अभी काम कर रहा है बेटा इसीलिए शर्मा रहा है।
तो इसके गैरेज से ही हमारा जितना भी बाइक है वो काम होता है। और अभी फ़िलहाल भाई साहब ने तो सुपर बाइक का भी काम कर दिया, तो ये बहुत अच्छा मैकेनिक है। अगर आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो। फिलहाल वर्कशॉप का नाम मात्रा बाइक पॉइंट, हम तो यहीं से हमारा बाइक का काम कराते हैं और मेरा जितना भी दोस्त है इनके ही पास ही आता है। तो अभी चलो घर की तरफ।